वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा ड्रैगन सूप बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई और इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 3 टेबलस्पून तेल। यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। इसको सॉटे करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन देखें हमने बहुत छोटे छोटे से पीसेस किए हैं, बहुत छोटे छोटे। तो ये हमारी है 7 आउंस 170 ग्राम्स के आसपास, ये चली जाएगी इसमें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे झींगे, 5 झींगे लिए थे जिसको छोटा छोटा चॉप कर दिया है, तो ये भी चले जाएंगे। बस थोड़ा सा हम हिलाएंगे इसे और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, ये 4 कप है। और यहाँ हमारे पास है 1 कप और, तो टोटल 5 कप हमने पानी डाल दिया है। इसको हिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर ये मैगी की आप 4 से 6 क्यूब डाल दें। इसी वजह से इसमें नमक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें सॉल्ट होता है। तो अब बेसिकली क्या है, हमारा बहुत अच्छा सा चिकन का और झींगे का स्टॉक बन जाएगा, तो ये बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर, लेकिन फ्रेश है, कुटी कुटी टाइप की है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस और यहाँ हमारे पास है 3 टेबलस्पून हॉट सॉस, चिली सॉस, मेरा सराचा है, आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून हरी वाली बेल पेपर, छोटे छोटे काट लिए, 2 टेबलस्पून रेड वाली बेल पेपर, आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं, रेड हो तो रेड, ग्रीन हो तो ग्रीन, दोनों भी डाल सकते हैं कलर के लिए। ये तो ये चला गया इसमें और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। यहाँ देखें हमारे पास 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है, इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून पानी, उसको घोल लेंगे। तो ये अच्छे से घुल गया, एक हाथ से हिलाते हुए और ये इस तरह से डालेंगे। हिलाना कंटिन्यू ज़रूरी है, अदरवाइज नीचे जम जाएगा। और यहाँ हमारे पास 1 अंडा है, अब उसको फेंट लेंगे। तो यहाँ देखें हमारे सूप को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, बड़ी शानदार सी खुशबूएं आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टीस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका, और अब अंडा डाल देते हैं। अंडा 2 तरीके हैं, एक तो डाल के फास्ट फास्ट फेंट लो तो वो बारीक बारीक हो जाता है, और इसको थोड़ा स्लो स्लो चलाएंगे तो एक अलग लुक आएगा। ये हमारा ख़तरनाक सा ड्रैगन सूप जो है वो तैयार हो गया है और आपका इंतज़ार है, आप लोग पहुँचे, मैं डिश आउट करती हूँ, सब मिलके साथ पियेंगे। ये मेरा बहुत प्यारा सूप का बोल है, मैं जब भी सूप पीती हूँ इसी में पीती हूँ, लेकिन आई गेस रूबी के किचन में मैंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रो दिया है।
एक मामी है और एक बेबी है, तो बेसिकली छोटा हमेशा मेरा होता है, बड़ा शफी का होता है। सर्दियों की आमद आमद है, हमारे यहाँ तो खैर बेहतरीन सी ठंडक है, क्लाउडी मौसम है, रिमझिम बरसात हो रही है, तो उस वक्त ये सूप पीने का तो मज़ा ही आ जाता है। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा ड्रैगन सूप बन गया। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। वाओ, गर्मा गर्म है, खतरनाक है, चटाखेदार है, फुल ऑफ फ्लेवर है। माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा, बनाना बनता है। और देखा कितना फास्ट और कितना इजी और कितना झटपट। अब आराम से जाके बैठ के पीऊंगी, बहुत गर्म है। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करमाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पर ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।